फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और यहाँ पर माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 22, माइनस में है 22। अब हमें इसे बताना है, ठीक है। अब लिखते हैं a1 बाई a2 बराबर 5 बाई माइनस 10, ठीक है। 5 दुना 10 कट गया तो आया 1 बाई 2, माइनस था इसलिए पर माइनस। उस तरह से b1 बाई b2 क्या माइनस 3 बाई 6, ऊपर माइनस था माइनस, नीचे प्लस है इसलिए प्लस। 3 दुना 6 माइनस 1 बाई 2 आया, दोनों इसमें भी माइनस इसमें माइनस आ गया, माइनस उसमें ऊपर भेजते हैं, लिख सकते हैं। अब c1 बाई c2 11/22 माइनस नीचे है तो 11 दुना 22 कट गया, 1 बाई 2 से माइनस ऊपर भेजते हैं। तीनों क्या है बराबर, तीनों माइनस है, क्या लिखते हैं, क्योंकि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होता तो क्या होता, संगत है, इसलिए संगत हो गया। इस तरह से आप आगे प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।